नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करके इसे लाखों व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। एक्सीडेंट के डिटेल्स आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी rananikhil1989@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो एक ऐसी एसयूवी है जिसे काफ़ी लोग पसंद ज़रूर करते हैं और आज भी महिंद्रा स्कॉर्पियो की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, पर महिंद्रा की आज की डेट में ये एक अकेली एसयूवी है जिसने अपने हुए क्रैश टेस्ट में सिर्फ 0 स्टार स्कोर किए थे और यही चीज़ आज भी कुछ सवाल महिंद्रा स्कॉर्पियो पर खड़ा करती है। पर एक चीज़ जो उस क्रैश टेस्ट में स्कॉर्पियो के फेवर में काम करती है वो ये थी कि स्कॉर्पियो को बिना एयरबैग्स के 0 स्टार मिले थे और शायद एयरबैग के साथ ये गाड़ी कुछ बेहतर स्कोर कर पाती। और जिस तरह से अपनी सभी गाड़ियों पर महिंद्रा काम कर रहा है तो इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि नई स्कॉर्पियो क्रैश टेस्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकती है। दूसरी तरफ स्विफ्ट एयरबैग के साथ सिर्फ 2 स्टार्स ला पाई थी और डिज़ायर भी सेम प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड है। आज महिंद्रा स्कॉर्पियो और स्विफ्ट डिज़ायर का एक एक्सेंट देखने को मिला है जो बिल्ड क्वालिटी का सच काफ़ी हद तक दिखाता है। ये एक्सेंट मेरे इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया था और जिन पर्सन ने ये एक्सेंट शेयर किया उन्होंने अपनी आइडेंटिटी शेयर करने से मना किया था। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल के थ्रू एक्सेंट के डिटेल्स भेज सकते हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो और मारुति डिज़ायर का ये एक्सेंट मेघालय से रिपोर्ट किया गया था जहाँ स्कॉर्पियो और डिज़ायर का हेड ऑन कोलिजन हो गया। इसका रीज़न महिंद्रा स्कॉर्पियो का ओवर स्पीडिंग करना रहा और हाई स्पीड पर ओवर स्पीड के साथ ओवरटेक करते हुए डिज़ायर के साथ स्कॉर्पियो का हेड ऑन कोलिजन हो गया। यहाँ डिज़ायर की गलती नहीं थी, फिर भी नुकसान डिज़ायर में बैठे पैसेंजर्स को उठाना पड़ा जिसमें एक पर्सन की ऑन स्पॉट डेथ हो गई, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, और 3 पैसेंजर को मेजर इंजरीज आई। एयरबैग्स यहाँ शायद दोनों ही गाड़ियों में नहीं थे और डैमेजेस आप देख सकते हैं किस तरह की दोनों गाड़ियों में आई हैं। स्कॉर्पियो में फ्रंट की तरफ से कुछ डैमेजेस आई हैं जिसमें बोनट और बम्पर पर डैमेजेस देखी जा सकती हैं, हालांकि आगे डैमेजेस नहीं पहुंची हैं। दूसरी तरफ डिज़ायर के सामने से परकच्चे उड़ गए हैं जहां फ्रंट से पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई है और इसी वजह से केबिन तक भी इंजरीज पहुंची और एक पर्सन की डेथ हो गई। तो सेफ्टी फीचर के साथ बिल्ड क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में यहाँ स्कॉर्पियो डिज़ायर से बेहतर नज़र आती है। सो सेफ्टी फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी साथ साथ चलते हैं और इसीलिए सभी कार मैन्युफैक्चरर्स को अपनी कार की बिल्ड क्वालिटी पर काम करना बहुत ज़रूरी है। बाकी आपका क्या कहना है इन कार्स की बिल्ड क्वालिटी के बारे में और नई महिंद्रा स्कॉर्पियो से आपको क्या उम्मीदें हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।